स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की जेर सदारत पंजाब असेंबली का बजट इजलास आज फिर होगा। वजीर आला उस्मान बुजदार असेंबली पहुंच गए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास की सदारत और अरकान असेंबली से मुलाकातें करेंगे। मुअत्तल अरकान के असेंबली में दाखिले पर नून लीग सराप एहतजाज। ओपोजिशन लीडर हमजा शहबाज आज मॉडल टाउन में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमजा शहबाज ने वाकये की तहकीकात के लिए स्पीकर की कायम करदा कमेटी को भी जाली करार दे दिया। सरगोधा यूनिवर्सिटी के लाहौर कैंपस से मुतालिक केस साबिक वाइस चांसलर मोहम्मद अकराम समेत छह मुलजिमान एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुलजिमान को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 8 नवंबर को दोबारा पेश होने का हुक्म। हेलमेट के बदले दस्तार इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। जस्टिस अकबर कुरैशी ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद निपटा दी। इंसान की जान से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। हेलमेट के इस्तेमाल से सर पर चोटें लगने के वाकयात में कमी आई। अदालत के रिमार्क्स। सुस्ती और गफलत का जमाना गुजर गया। तमाम हेल्थ अफसरान कारकर्दगी दिखाएं। करप्शन के मामले पर जीरो टॉलरेंस होगा। सूबाई वजीर सेहत यासमीन राशिद की जेर सदारत पंजाब भर के सीईओज हेल्थ का बजरिया वीडियो लिंक इजलास। अद्वियात का स्टॉक हर सूरत मुकम्मल रखने की हिदायत। साबिक डीजी एलडीए अहद चीमा की हमशीरा का अकाउंट डीफ्रीज करने की दरख्वास्त पर समाअत। एहतसाब अदालत के जज नजमुल हसन का सादिया मंसूर का अकाउंट खोलने का हुक्म। गवर्नमेंट साइंस कॉलेज वहादत रोड में कंप्यूटर लैब की इफ्तिताही तकरीब। वजीर बराए हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं सरफराज का कहना है कौमें तालीम से ही आगे जाती हैं। हाईकोर्ट ने 14 भट्टा मजदूरों को रिहा करने का हुक्म दे दिया। रिहा होने वालों में 7 बच्चे 3 औरतें और 4 मर्द शामिल हैं।